ये आजकल जो आप लालू यादव और नीतीश कुमार के बजनिया बन करके और दिन भर अपना भोंपू बजाते रहते हैं, जरा बंद करिए इसको। आपके कहने से नरेंद्र मोदी जी डुप्लीकेट हो जाएंगे। आप कभी लालू यादव को पशुपालन घोटाला में केस करके जेल भेजवाने वाले नेता हैं, आप कभी नीतीश कुमार के पेट का दांत गिन करके उसका ऑपरेशन करने वाले नेता हैं। चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी भी 24 का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पेट का दांत निकालेंगे और लालू यादव जी भी 24 में आपको निपटा देंगे। आप चिंता मत करिए, आप कहीं के नहीं रहिएगा। और नीतीश जी का तो इतिहास रहा है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमेशा निपटाते रहे हैं, इस बार बारी आपकी है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सना रहमान। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी और जदयू के बीच जो जुबानी जंग है वो छिड़ी हुई है। लगातार बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी जदयू और ललन सिंह पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी लगातार हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच बीते दिन ललन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। बता दें आपको कि ललन सिंह ने ये कह दिया कि डुप्लीकेट है नरेंद्र मोदी। उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से जो बड़ा हमला है वो ललन सिंह पे किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने खूब खड़ी खोटी सुनाई है ललन सिंह को। उन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह को यह चेतावनी दे दी है कि जल्द ही नीतीश कुमार उनका पत्ता साफ करने वाले हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को ललन सिंह जेल भेजे थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार को ललन सिंह ने पेट के दांत गिदाने वाली बात कही थी, वो वक्त दूर नहीं है कि अब ललन सिंह को नीतीश कुमार जो पेट का दांत है वो गिनाएंगे और 2024 में पूरी तरह से साफ कर देंगे। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ बीजेपी की तरफ से ललन सिंह को नरेंद्र मोदी वाले बयान पर सुनाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ललन सिंह जी, आजकल जो आप लालू यादव और नीतीश कुमार के बजनिया बन करके और दिन भर अपना भोंपू बजाते रहते हैं, जरा बंद करिए इसको। आपके कहने से नरेंद्र मोदी जी डुप्लीकेट हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ भारतवासियों के गौरव का नाम है नरेंद्र मोदी, देश की सुरक्षा का नाम है नरेंद्र मोदी और विश्व में भारत का डंका बजाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, देश के गरीबों के विश्वास का नाम है नरेंद्र मोदी और देश के पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास का नाम है नरेंद्र मोदी। आप कभी लालू यादव को पशुपालन घोटाला में केस करके जेल भेजवाने वाले नेता हैं, आप कभी नीतीश कुमार के पेट का दांत गिन करके उसका ऑपरेशन करने वाले नेता हैं, चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी भी 24 का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पेट का दांत निकालेंगे और लालू यादव जी भी 24 में आपको निपटा देंगे। आप चिंता मत करिए, आप कहीं के नहीं रहिएगा। और नीतीश जी का तो इतिहास रहा है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमेशा निपटाते रहे हैं, इस बार बारी आपकी है। और अति पिछड़ों को और पिछड़ों के साथ धोखा किसने किया है? पिछले 32 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर या तो लालू यादव का परिवार रहा या नीतीश कुमार रहे और आप लोगों का शासन रहा, बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े बिहार छोड़कर के दूसरे देश में क्यों चले गए, दूसरे राज्य में क्यों चले गए? और जो यहां से गया गुजरात, जो यहां से गया भाजपा शासित राज्यों में, सबको रोजगार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप लोग दिन भर भाषण देते रहते हैं, 24 में आप लोगों के भाषण का वो उपाय बिहार की जनता करेगी जिसका कल्पना आप लोगों ने नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।